हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th के कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र का पार्ट 2 का चैप्टर 4 सामाजिक न्याय पढ़ाऊंगा। चैप्टर 4 पार्ट 2 यानी जो आपकी किताब दूसरी है खंड खा, उसके अंतर्गत चैप्टर 4 जो है सामाजिक न्याय, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को मैं निम्न बिंदुओं बार आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आसानी से बिंदुवार आपको ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इस पार्ट को करते हैं सामाजिक न्याय। तो हम सबसे पहले बात करेंगे न्याय क्या है, आखिर न्याय क्या है। देखिए, न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, और ये शब्द लैटिन भाषा के जस से उत्पन्न हुआ है। ये लैटिन भाषा के जस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बंधन या बांधना। जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना, इसका अर्थ क्या होता है बंधन या बांधना। ठीक है, विद्वान प्लेटो ने न्याय को इस तरीके से परिभाषित किया है। महान विद्वान जो प्लेटो, उन्होंने इसको इस तरीके से परिभाषित किया है कि राज्य के न्याय से अभिप्राय कर्तव्य को पूरा करने के संबंध में, राज्य के न्याय से अभिप्राय से कर्तव्यों को पूरा करने के संबंध में नागरिक की भावना है, नागरिक की भावना है। ठीक है, इसके अलावा और जे एस मिल जो कि एक बहुत बड़े नागरिक शास्त्र के विद्वान हुए हैं, उन्होंने न्याय को इस तरीके से व्यक्त किया है, ऐसी नैतिक मूल्यों की श्रेणियों का नाम न्याय है जो मानवीय कल्याण के लिए आवश्यक अवस्थाओं के साथ संबंधित होती है, ये महान नागरशास्त्र विद्वान J.S. मिल का कथन है न्याय के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक न्याय, यानी पूरे समाज को एक न्याय की व्यवस्था मिले, यानी सभ्य समाज को, पूरे समाज को, संपूर्ण समाज को क्या मिले, न्याय मिले। जो क्या मिले, न्याय मिले। लेकिन एक नागरिक शास्त्र के विद्वान हुए सर सी के एलन, जिन्होंने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस में बताया है कि हम सामाजिक न्याय की बराबरी समाज में नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के शिक्षा ग्रहण करने के क्षमताएं अलग अलग हैं, तो जब ग्रहण करने की क्षमताएं अलग अलग हैं तो फिर उनके साथ एक समान व्यवहार कैसे हो सकता है, या एक समान व्यवहार कैसे किया जा सकता है। यानी कि जब एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता उस लायक नहीं है जितना कि एक बहुत कुशाग्र बुद्धि का छात्र है, तो हम इस मामले में इस तरीके से हम दोनों व्यक्तियों को, दोनों बच्चों को एक समान नहीं मान सकते। ये माना जाएगा कि जो कुशाग्र बुद्धि का बच्चा है उसे ज़्यादा वेतन देना होगा, वो ज़्यादा का हकदार है, जबकि जो बच्चा एक औसत दिमाग का है, औसत बुद्धि का है, उसको उससे कम ही वो पाने का हकदार है। इसीलिए जो सामाजिक न्याय है उसमें एक तरीके से बराबरी नहीं हो सकती, ऐसा सी के एलन ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस में कहा है। लेकिन इसके अलग सामाजिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के दबे कुचले, शोषित, प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाना है, जो सामाजिक न्याय कहलाता है, जो सोशल जस्टिस कहलाता है। यानी जो लोग लंबे समय से जिन्हें समाज में नीच जातियों के नाम से पुकारा जाता है, ऐसे लोगों को ही समाज में विकास की मुख्य धारा में जोड़ना ही
सामाजिक न्याय कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आप, न्याय की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, न्याय की अपनी कुछ क्या हैं, विशेषताएं होती हैं, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं वार देखेंगे, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं वार देखेंगे। ठीक है, इस पहला है न्याय समाज में संभव है। देखिए ये बात निश्चित है कि न्याय का जो अस्तित्व तो है वो केवल समाज में संभव हो सकता है, क्योंकि समाज ही इसको सही तरीके से अपना सकता है। मनुष्य समाज यानी मानव समाज के अतिरिक्त इसका अस्तित्व कहीं भी संभव नहीं है। तो हमें यह मानना होगा कि जो न्याय है वो केवल मानव समाज में ही क्या है, संभव है। ये जानवरों में नहीं हो सकता, ये अन्य कहीं नहीं हो सकता, ये केवल मानव समाज में ही संभव है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर जिसको भगवान ने बुद्धि दी है, जिसको सोचने समझने की क्षमता दी है, ताकि वो अपने निर्णय पर, अपने सोच पर न्याय की परिभाषा को समझ सके, न्याय कार्य को समझ सके। इसलिए न्याय समाज में ही इसका अस्तित्व है, समाज के बाहर, मानव समाज के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। नंबर दो, प्रचलित मूल्यों पर आधारित, प्रचलित मूल्यों पर आधारित। देखिए जो न्याय है वो समाज में शुरुआत से, शुरू के समय से जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो प्रचलित मूल्य चले आ रहे हैं, उसी पर न्याय आधारित है, उसी पर न्याय क्या है, आधारित है। यानी जो भी अच्छाइयां, जो भी अच्छी चीजें जो हमें अपने पूर्वजों से मिली हैं, हम उसी के आधार पर लगातार चलने का प्रयास करते रहते हैं, लगातार चलने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि कभी कभी क्या होता है, कुछ नियम समय के साथ, हो सकता है कि कुछ नियम उस समय बहुत ज्यादा जरूरी थे, लेकिन अब आज के समय में वे प्रासंगिक हो गए हैं, उनका इतना महत्व नहीं है, तो समय के साथ वे नियम नए समाज के माध्यम से बदल दिए जाते हैं या उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और उनके लिए नए मानक या आधार तय कर लिए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कर्तव्यों की पूर्ति, थर्ड पॉइंट है कर्तव्यों की पूर्ति। यानी न्याय की धारणा में कर्तव्य की पूर्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। न्याय की जो अवधारणा है उसमें कर्तव्यों की पूर्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समाज में न्याय की व्यवस्था तभी चल पाएगी कि जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पूर्ति को सही तरीके से करेगा, कर पाएगा, तभी समाज में एक न्याय की व्यवस्था स्थापित हो सकती है, तभी समाज में न्याय की व्यवस्था स्थापित हो सकती है। क्योंकि अगर मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करेगा, तो निश्चय ही जो न्याय की अवधारणा है समाज के लिए वो सही तरीके से स्थापित नहीं हो पाएगी, वो सही तरीके से स्थापित नहीं हो पाएगी। इसीलिए कर्तव्य की पूर्ति को न्याय की अवधारणा में प्रमुख स्थान दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नैतिक धारा। अगला पॉइंट है नैतिक धारा। न्याय मुख्य रूप में एक नैतिक धारणा ही है, न्याय मुख्य रूप से एक नैतिक धारणा है जो व्यक्ति को सोचने और समझने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो व्यक्ति के सोचने और समझने पर निर्भर करता है। नैतिक दायित्व का मतलब होगा कि व्यक्ति किस चीज को किस तरीके के सोच रहा है या किस तरीके से सोच पाता है, ये उसकी नैतिकता पर निर्भर करता है। क्योंकि समाज में कोई काम बुरा नहीं होता, समाज में कोई काम बुरा नहीं होता है, लेकिन ये व्यक्ति की नैतिकता पर निर्भर करता है कि वो किस कार्य को गलत मानता है, किस कार्य को सही मानता है। ये हमारी नैतिकता पर निर्भर करता है, ये हमारे नैतिक मूल्यों पर आधारित है, ये हमारे नैतिक मूल्यों पर आधारित है। और नैतिकता के बिना न्यायपूर्ण समाज की संभावना अकल्पनीय है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, हम इसकी कल्पना नहीं
कर सकते हैं। इसलिए नैतिकता न्याय के लिए बहुत जरूरी है। नैतिकता की जो अवधारणा है, जो सोचने की क्षमता है, वो क्या है, बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट देखिए, परिवर्तनशील धारणा, यानी लगातार बदलते रहना, यानी लगातार बदलते रहना। न्याय की धारणा यानी जो न्याय की जो प्रक्रिया है वो समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन उसके जो बहुआयाम हैं वो हमेशा स्थिर होते हैं, उनके तरीके बदलते रहते हैं, उनकी मान्यताएं बदलती रहती हैं, लेकिन जो न्याय का प्रकार है, जो न्याय की एक प्रक्रिया है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। ऐसे परिवर्तन न्याय की धारणा को भी परिवर्तनशील बनाता है जो प्राचीन काल में यूनानी विद्वान, जो प्राचीन काल में जो यूनानी विद्वान हुए अरस्तु, उन्होंने दास्ता को उचित बताया, उन्होंने दास्ता को उस समय उचित बताया कि उस समय दास्ता को रखना या दास को रखना, गुलाम को रखना व्यक्ति के लिए उस समय गलत नहीं था। लेकिन आज के लोकतांत्रिक समाज में, आज के लोकतांत्रिक समाज में दास्ता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे एक जघन्य अपराध के तौर पर माना जाएगा। इस उदाहरण से आपको समझ में आया कि उस समय अरस्तु ने कहा था कि दास्ता कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर हम आज के समय में इस चीज को देखते हैं तो दास्ता बहुत बुरी चीज है। यानी दास्ता किसी भी लोकतांत्रिक देश में, आज के समय में कोई भी न्याय व्यवस्था होगी, उसमें दास्ता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है न्यायपूर्ण बंटवारा। न्यायपूर्ण बंटवारा, इसके अंतर्गत समाज में, देखिए सामाजिक न्याय का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं फिर से बता देता हूं कि जो समाज में कोई भी प्रकार का व्यक्ति, किसी भी प्रकार का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, उन सभी को समाज की मुख्य धारा में लाने का जो एक प्रक्रिया है वो है सामाजिक न्याय। वो क्या है, सामाजिक न्याय, या उनके साथ न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए ताकि वो अपने आप का विकास कर सकें और समाज की मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर सकें, अपने आप को शामिल कर सकें। लेकिन केवल इतने कहने से काम नहीं चलता है, लेकिन इतने कहने से काम नहीं चलता है, क्योंकि कुछ बुनियादी प्रश्न वही आते हैं कि समाज में न्यायपूर्ण बंटवारा काफी हद तक संभव नहीं है, काफी हद तक संभव नहीं है। वही चीज फिर से कि सरकारों के प्रयास है, लेकिन क्या है कि लोगों की सोचने की क्षमता, लोगों के कार्य करने की क्षमता, तो जिस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, जिस छात्र के पढ़ने की क्षमता, जिस छात्र के समझने की क्षमता ज्यादा होगी तो निश्चय ही वो ज्यादा हकदार होगा, जिसकी कम होगी अपेक्षा उसको कम मिलेगा। अगर हम इस चीज को अन्यायपूर्ण माने तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और इसी से समाज में कभी कभी द्वेष भावना पैदा होती है। तो ऐसे में समाज में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो न्यायपूर्ण बंटवारा करे। इसका मतलब ये है कि यहां समान अवसर तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा दबे कुचले हैं उन्हें भी कम से कम मुख्य धारा में आने का अवसर प्राप्त हो। सरकार को इस प्रकार की न्यायपूर्ण व्यवस्थाएं करनी चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवस्थाएं करनी चाहिए। हालांकि समाज में न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यक्ति पर, स्वयं पर आधारित है या उसको अलग तरीके से व्यक्तित्व करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स का न्याय सिद्धांत, रॉल्स एक महान नागरिक विद्वान, नागरिक शास्त्र के विद्वान, उन्होंने कहा, उन्होंने ये अवधारणा प्रस्तुत की, जीवन में विभिन्न चरणों में ये समझ प्रश्न उठता है कि हम कैसे सामाजिक न्याय को या समाज में हम न्याय की स्थापना कैसे कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर कुछ अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष और न्याय संगत नियम का पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, पहुंचने का
एकमात्र रास्ता ये है कि हम स्वयं को जब ऐसी परिस्थितियों में होने की कल्पना करें, हम स्वयं को ऐसी परिस्थितियों में होने की कल्पना करें तो हम, जब हमें यह ना पता हो कि हम किस समाज में होंगे, हम कैसे होंगे, हम गरीब होंगे, अमीर होंगे, हम नीची जाति में होंगे, हम अमीर जाति में होंगे, यानी हम अपने आप को वहां पर, हम अपने आप को वहां पर केवल एक ऐसी स्थिति में रखें जिसके बारे में हमें आगे कुछ भी पता ना हो, जिसके बारे में हमें अपने बारे में कुछ भी पता ना हो, तो हम उस समय जो न्याय की अवधारणा है, जो न्याय की परिभाषा है, जो सामाजिक न्याय है, उसको निष्पक्ष तरीके से कर सकते हैं, उसको निष्पक्ष तरीके से कर सकते हैं। क्यों? जब हमें पता ही नहीं है कि हम बड़े, कि हम नीची जात में हैं, हम ऊंची जात में हैं, हम किस धर्म के हैं, हम किस धर्म के नहीं हैं, तो उससे क्या होगा? जब हमें अपने बारे में खुद कुछ पता नहीं, हम उस स्थिति में खुद हैं, अपने को रख के जब उसको न्याय बनाएंगे, नियम बनाएंगे, तो निश्चय ही उस नियम का प्रभाव सभी लोगों पर काफी हद तक सकारात्मक पड़ेगा। और अगर हमें पहले से ही पता चल जाता है कि हम उस धर्म के हैं, उस जाति के हैं, उस वर्ग के हैं, तो निश्चय ही हम उस धर्म के प्रति थोड़ा सा कहीं ना कहीं आस्थावान हो जाएंगे। लिहाजा हमारे में जो न्याय करने की जो तरीका होगा, जो व्यवस्था होगी, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पक्षपात होने का, या हम कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, हम कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। तो इसे रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है, रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है, क्योंकि जब हम अज्ञानी होंगे तो हमें कुछ पता नहीं होगा, तो हम उस समय जो भी सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेंगे, जो भी हम नियम बनाएंगे, वो हम सभी को ध्यान में रख के बनाएंगे और उसका सकारात्मक प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ेगा। ये है रॉल्स का न्याय सिद्धांत, जिसे उन्होंने अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। ठीक है।